और निम्स यूनिवर्सिटी डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह रविवार को आरा पहुंचे। यहां शौर्य समृद्धि सेवा समिति की ओर से समृद्ध शिक्षा अभियान के तहत आयोजित एक दिवसीय सेमिनार को संबोधित किया। रमणा मैदान के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित इस सेमिनार में डॉक्टर पंकज ने लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया और युवाओं को हायर एजुकेशन लेकर आगे बढ़ने की बात कही। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से मुझे निःशुल्क शिक्षा के लिए शामिल किया अपने प्रोग्राम में, अपनी संस्था में। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हाँ, अगर मेरी शिक्षा हो वैसी, अगर मैं जान जाऊँ तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करूँगी, भाग लूँगी। क्या लग रहा है कि ये जो निम्स द्वारा आपको दिया जा रहा है, अपने लक्ष्य में आप पूरा कर पाए? हाँ बिल्कुल, ये शिक्षा का एक संस्थान है और शिक्षा जिस तरह से मिले ग्रहण करना चाहिए, यार मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने सभी बच्चों को, बिहार के बच्चों को प्रोवाइड कराया है जो कि अब तक अवेलेबल नहीं था। तो एक ऐसी सोच जो कि बदलेगी बिहार की जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर, वो एक ऐसा मंच है कि जिसको हमें साथ मिलकर चलना है और निम्स हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर उनके साथ जुड़ने को तैयार है। सर, कि आगे भी इस तरीके के निम्स की ओर से कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को इस तरीके की सुविधा दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि जो मूल भावना है वो ये है कि मेधावी छात्र आगे बढ़े, उनको सुविधाएं मिले। आज एक छात्रा को निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने इस तरह से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, क्या कहेंगे सर? ये एक छोटी सी शुरुआत है और जहाँ तक मेरा मानना है छात्रवृत्ति उसको मिलनी चाहिए जो योग्य है। ठीक, तो मेरे को लगा उस बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल है जो नीचे से उठ के ऊपर आई, वो आगे बढ़ना चाहती है, जिलाधिकारी बनना चाहती है, तो हम उसको सहयोग क्यों न दें। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनको मेरा एक खुला निमंत्रण है कि आए हमारे पास, वो निम्स से जुड़ें, न्यूज इंडिया से जुड़ें और उन सभी का हम सहयोग भरपूर करेंगे जितना हमारे पास संभव।